अच्छा लर्निंग और स्पेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके आगे का हम तय नहीं होगी। तो हमने ना प्रिपरेशन कैसे करी, तो सबसे पहले ना हमने बुक सेलेक्ट करी और जिससे मतलब बच्चे ना अट्रैक्ट हो बने, जैसे बच्चे ना ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ड्राइंग देखते हैं, तो हमने ना बुक्स ऐसे सेलेक्ट करी कि जो जिसमें ज़्यादा ड्राइंग हो, जिसमें ज़्यादा पढ़ने वाला मतलब कम हो पढ़ने वाला, जिससे बच्चे ज़्यादा बुक्स मतलब बुक से कनेक्ट हो पाए। और हमने हमने पोस्टर्स वगैरह बनाए और हम लोगों के घर पर इन्वाइट करने गए थे ढंकली बजा के, जिससे मतलब बच्चों को लगे कि ये यहाँ क्या हो रहा है, तो बच्चे आएंगे हमसे पूछेंगे। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि आपको वहाँ शिव मंदिर कौन सा मंदिर है, बंगाली राम वाला मंदिर है, वहाँ पर आपको आना है। और हमने वहाँ पर और डिजिटल मतलब हमने डिजिटल इन्वाइट भी किया था और ऑफलाइन भी हमने बंगाली कॉलोनी जाके तो किया ही था। और हमने वहाँ जाके डेकोरेशन वगैरह की थी और हमने वहाँ साफ सफाई करके फिर हमने मैट बिछाई, फिर और फिर बच्चे आने लगे। जैसे आर्टी ने बताया हमारा मेरा था डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमने मतलब वर्कबुक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करा सबको ताकि इजी वे में हो सके। तो अमन और आर्टी मतलब रोहित दिवाकर का वर्क था कि कैसे पोस्टर बनाने हैं और क्या क्या चीज़ें बनानी है। खुशी जश्मीन और चिराग और चिराग लोगों का वर्क था कि कैसे जो सामान लाया जा रहा है उसे उस जगह तक पहुँचाना और वापस दूसरी जगह में रखना। और मेरा और मानवी का बुक सेलेक्ट करना। हमने जो सोचा था, हमने क्या सोचा था क्या करने का, तो हमने पहले 3:30 से लेकर 4 बजे तक हमने बच्चों को जो 3:30 से लेकर 4 बजे तक बच्चे आ गए थे उनको हमने बुक्स पढ़ने के लिए दी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक गेम्स कराया था, उसका नाम बिग बैंग था। और उसके बाद हमें एक और गेम कराना था तोता वाला। और उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ करवानी स्टार्ट करनी थी क्योंकि उस एक्टिविटी में था कि हम लोगों ने वो जो चिप वाला एक है बाउल के अंदर हमने बहुत सारी चिप थी उसमें बुकों का नाम लिखा था, तो बच्चे आए थे, बच्चों को आना था और उन बुकों उन चिप्स को उठा के जो बच्चों के पास जिसमें जो बुक लिखी थी वो बच्चों के पास आनी थी और वो बच्चे बोल रहे थे कि उस बुक को पढ़ रहे थे वो। हमने ये सोचा था और हमने उसके बाद एक्टिविटीज़ दोबारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई। उसके बाद दोबारा हमने गेम कराने के लिए बोला था लास्ट में और उसके बाद हमें फ़ोटो खींच के अलविदा कहना था। तो अब ये मैं ही बता दूँ कि ये हो पाया कि नहीं, ये नहीं हो पाया जैसा हमने प्लान के मुताबिक सोचा था। ये जो मैंने बताया ये नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों की चॉइसेस अलग अलग थी। कुछ बच्चों को रीडिंग करनी थी बुक की तो कुछ बच्चों को गेम खेलना था, उसमें हम बच्चों को मैनेज नहीं कर पाए। तो अब हमने जो सोचा था वो नहीं हो पाया, तो हमने क्या करा वो आगे। तो मैं आपको दोबारा स्टार्टिंग बताता हूँ, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बुक फेयर 3:30 बजे से, हमने 4 बजे तक बुक रीडिंग करवाई बच्चों को। उसके बाद क्या हुआ, हम जो बच्चे थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। कुछ बच्चे थे कि बुक पढ़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें कबड्डी खेलनी है, ये खेलना है। हमने उनको कहा कि ये गेम तो नहीं खिला सकते, पर हम बाकी जो दूसरे गेम होते हैं अच्छे के, मतलब जो ऐसे जिसमें लड़ाई ना हो ऐसे गेम खिलाएंगे। तो उसमें क्या हुआ ना कि हमने फिर जो 4 बजे से बाद हमने उनको एक्टिविटी गेम कराना स्टार्ट किया। गेम में क्या कराया हमने सबसे पहले उनको उनके लिए गेम सिलेक्ट किए थे बिग बैंग वाला। तो बिग बैंग वाला हमने उनको समझाया तो उनको समझ नहीं आया, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा हैवी हो रहा था कि क्या करना है, तो हमने गेम चेंज किया। उसके बाद हमने एक गेम उनको करवाया, वो था बैगन वाला। उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछते तो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बैगन देना था। ये हमें आइडिया दिया था मानसी दीदी ने। तो उसके बाद हमने एक और मतलब जो फिर उसके बाद ऐसे गेम करवाए कुछ और उसके बाद फिर हमने कहा कि अभी बहुत गेम खेल गया, तो उसके बाद दोबारा से रीडिंग करवाते हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं रीडिंग नहीं करनी बुक, मतलब रीडिंग नहीं करनी। कुछ बच्चे कह रहे थे गेम खेलना है, कुछ बच्चे कह रहे थे रीडिंग करनी है। तो हमने क्या करा इसमें हमने आई सभी ने मतलब डिस्कशन करके, उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि कुछ बच्चे जो हमारे टीम मेंबर हैं, कुछ मेंबर्स
बच्चों को गेम खिलाएंगे और जिनका इंटरेस्ट है गेम में वो उनको गेम खिलाएंगे और उसके बाद जिनका बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है वो बुक रीडिंग करवाएंगे। तो ऐसे हमने काम को डिवाइड किया, चिराग और मेरा काम था, चिराग मेरा और इसका काम था कि गेम खिलाते, और ये जो खुशी, अंजलि, जसमीत और मानवी है इनका था बुक रीडिंग करना। तो ऐसे ही सब कुछ हुआ। तो लास्ट में हमने एक उसके बाद फिर हमने एक एक्टिविटी करी कि बुक रीडिंग जिन बच्चों को बुक पढ़ानी थी उनको क्या करा कि हमने चार चिट्ठियाँ बनाई थी जिसमें बुक के नाम लिखे थे, जिन चार किसी भी चार बच्चों को बुक रीडिंग में इंटरेस्ट था उनको कहा, उनको आगे बुलाया, अच्छे चिट्ठी चूज करवाई। और उसके बाद क्या हुआ, जो चिट्ठी थी उसमें जो बुक का नाम आया वो हमने बुक मतलब वो बच्चे ने जिसको इंटरेस्ट था बुक रीडिंग में उसने आगे जाके बुक सुनाई उस पर बुक, मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो छोटे थे, तो इन्होंने मदद करी उसकी पढ़ने में। तो उसके बाद फिर लास्ट में हमने एक और एक्टिविटी कराई जिसका नाम है रबर चिकन। लास्ट में वो रबर चिकन का जो एक्टिविटी था वो ख़त्म हुआ तो फिर हमने सभी बच्चों को बाय करा, तो इसी के साथ सेशन बुक फेयर एंड। अच्छे पॉइंट्स और जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े वो फर्स्टली तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे हम लोग की परमिशन लेने की क्या हम वहाँ पे बुक फेयर लगा सकते हैं, तो हमें परमिशन मिल गई थी। बट एट द लास्ट वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे बुक फेयर नहीं लगा सकते। देन हमने एक दिन पहले जब हमारा बुक फेयर था उससे एक दिन पहले हमने जाकर वहाँ पे जगह ढूंढी जहाँ पर हम अपना बुक फेयर लगा सकें। उसके बाद हमें बंगाली कॉलोनी में जो शिव मंदिर है उसके सामने जगह हमने डिसाइड करी और हमने आते आते बच्चों को इनवाइट करा। एंड जब हम अगले दिन वहाँ पे बुक फेयर लगाने जा रहे थे तो हम एक घंटा पहले गए थे और वहाँ पे अच्छा पॉइंट ये था कि बच्चे एक घंटा पहले ही वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए थे और हमारे बुक फेयर में 40+ बच्चे आए थे। वहाँ पे जो बच्चे थे उन्हें मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मतलब बच्चों का जो बिहेवियर था और जो वो लड़ रहे थे और इधर तो भाग रहे थे, तो उन्हें सबको मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई। और वहाँ पे जो बच्चे थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे और एक दूसरे का गुस्सा वहाँ पे निकाल रहे थे, मतलब रूडली बिहेव कर रहे थे हमारे साथ। बट फिर भी हमने बेसिकली मैनेज करा और हमारा बुक फेयर बहुत अच्छा रहा। और जो बच्चे थे वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार फिर से हमारा तो मैंने ऑब्जर्व करा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व करा कि बच्चे थे कि वहाँ के बच्चों के अंदर इतना वो नहीं था कि वो बुक को रीड करते थे, उनके अंदर ऐसी हैबिट नहीं थी कि वो रीड उस बुक को बुक में जो सेंटेंस लिखे हैं उसको अच्छे से रीड कर सके। तो हम लोगों ने टीम में ऐसे करा कि जो बच्चे मतलब रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं उनके पास जाके हमने उनको रीडिंग करना सिखाया। और हमने देखा कि बच्चे जो हैं उनको अगर हम लड़ाई करने से रोक देते, एक दूसरे अच्छे से बात करने से रोक रहे थे, तो वो उनका गुस्सा मतलब अपना गुस्सा ऐसे दिखा रहे थे कि पता नहीं हमने उनसे क्यों कह दिया है, और वो ऐसा कर रहे थे कि भाग जा रहे थे इधर उधर। तो हम लोगों ने उनसे बात करी कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे, तो बच्चे मतलब ऐसा बोल रहे थे कि आप लोग हमें हमारे मन की चीज़ें नहीं करने दे रहे और आपने हमसे ऐसे बात कर रहे हो। हमने बोला आप हमारे साथ बैठो, हम आपको रीडिंग करना सिखाएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे। और तो मैंने ऑब्जर्व करा कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम लोग बीच बीच में बातें करते हैं, तो कंटिन्यूसली क्लास में सर को डिस्टर्बेंस लगता है तो सर हमें कहते हैं, तो हम लोग भी शांति नहीं होता कि मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जब हम ऐसा करते होंगे तो सर लोगों को कैसा लगता होगा जब हम उनकी बात ध्यान से नहीं सुनते होंगे। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा और इसके आगे आपको प्रिंस बताया।